उत्तराखंड सबसे तेजी से बढ़ते हुए राज्यों में से एक है। इसकी पुष्टि एसोचैम और नीति आयोग ने भी की है। राज्य की वार्षिक विकास दर 13% व औद्योगिक विकास दर 16% है, जो कि देश की विकास दर से दोगुनी है। उत्तराखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी अग्रणी राज्य है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी, मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी एवं मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लागू करके राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया व स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न किए। एमएसएमई सेक्टर में उद्यमियों को 50 लाख तक की छूट, उत्पादन के उपरांत 7% तक की सब्सिडी, रॉ मटेरियल तथा तैयार माल पर 100% वैट की छूट, अघोषित विद्युत कटौती से राहत एवं 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से छूट, इलेक्ट्रिक ड्यूटी में 100% की छूट, लैंड परचेस या लीज डीड पर 100% स्टैम्प ड्यूटी में छूट व मंडी टैक्स पर 75% छूट देकर प्रदेश उद्यमियों को आकर्षित कर रहा है। राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास हेतु हरिद्वार व पंतनगर में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, कोटद्वार में ग्रोथ सेंटर, फार्मा सिटी सेलाकुई इंडस्ट्रियल स्टेट, देहरादून आईटी पार्क व सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क सितारगंज विकसित किए गए। रुद्रपुर में देश का पहला वुमेन एंटरप्रेन्योर पार्क बनाया गया, जिससे महिलाओं को औद्योगिक विकास में सम्मिलित किया गया। सितारगंज में सिडकुल फेज 2, प्लास्टिक पार्क व सोलर पार्क, काशीपुर में स्कॉट फार्म, टेक्सटाइल पार्क व इलेक्ट्रॉनिक पार्क, पंतनगर में सिटी पार्क एवं उधम सिंह नगर में मेगा फूड पार्क को विकसित किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर स्थिति एवं इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली सिस्टम की वजह से उत्तराखंड उद्यमियों के लिए हॉटस्पॉट बन रहा है। उद्यमियों की पसंद, उभरता उत्तराखंड, उन्नत उत्तराखंड। जन जन की है यही पुकार, हरीश रावत सरकार फिर एक बार।